बिना वीजा के भारत की सीमा में दाखिल होने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का सच क्या है, ये जानने के लिए जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। इस बीच सीमा को लेकर एक और खुलासा ये हुआ है कि सीमा ने मार्च 2023 में भारत आने से पहले नेपाल तक पहुंचकर ट्रायल रन किया था और फिर दूसरी बार मई महीने में नेपाल के रास्ते सीधे नोएडा पहुंच गए। अपने वतन भेजी जाएगी सरहद पार की सीमा, क्या रब्बूपुरा की लव स्टोरी का चैप्टर क्लोज होने वाला है? मैं मर जाऊंगी, गाड़ी से कूद जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। जासूस पाकिस्तानी, प्रेम दीवानी या कोई और है कहानी? दुश्मन मुल्क की महिला का भारत के सचिन से इश्क और फिर सचिन के प्यार में पागल होकर चार बच्चों संग हिंदुस्तान पहुंचने वाली सीमा हैदर को प्यार में नाकामी मिलने वाली है। अपने प्यार को पाने के लिए उसने ना सिर्फ देश की सरहद को पार किया बल्कि भारत के कानून की सीमा को भी लांग दिया। लिहाजा भारत सरकार की एजेंसियां सीमा की एक एक गतिविधि की जांच कर रही हैं। यूपीएटीएस से पूछताछ में अब तक जो सामने आया है उसके मुताबिक सीमा हैदर कराची से अपने चार बच्चों के साथ 10 मई को निकली थी, 13 मई को दुबई के रास्ते भारत पहुंची, 4 जुलाई को नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया लेकिन अगले दिन कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। मामला तूल पकड़ा तो यूपीएटीएस ने सीमा और उसके प्रेमी सचिन को हिरासत में लिया और 2 दिन में करीब 15 घंटे की पूछताछ की। इस पूछताछ में सीमा को लेकर कई हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। पता चला है कि 13 मई को भारत आने से पहले सीमा ने 10 मार्च को ट्रायल रन किया था और दूसरी बार नेपाल से सीधे नोएडा पहुंच गई। वहीं नेपाल से ये भी जानकारी सामने आई है कि सीमा हैदर 13 मई को खुद को भारतीय नागरिक बताकर भारत में दाखिल हुई थी जबकि एक महीना पहले 10 मार्च को नेपाल के होटल में सचिन और सीमा ने एंट्री ली तो वहां भी अपना असली नाम छुपा लिया था। काठमांडू के जिस गेस्ट हाउस में सीमा और सचिन रुके थे उस गेस्ट हाउस के मैनेजर ने 10 मार्च का राज फाश किया है। मार्च में आए थे, मतलब मार्च के महीने में? अच्छा अच्छा, इन्होंने अपनी आईडी बताई थी, ये कहां से आए हैं? भारत से और सीमा पाकिस्तान से, अपनी आईडी दी थी आप लोगों को? नहीं, हमको आईडी कुछ नहीं दी सर, हम लोग इनके ही बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं तो वो लोग एक दो दिन घूमने के लिए आते हैं तो हम लोग उनका आईडी नहीं रखते साथ में, तो बस हम लोग बस उनका नाम और एड्रेस, अगर नेपाली हो तो उनका फोन नंबर भी रखते, अगर नेपाली नहीं है इंडिया से आए तो उनका बस नाम, उनका जो जहाँ से आए बस उतना ही लिखते, इंडिया से आए तो इंडिया ही लिखते थे, बस उतना ही है। इन्होंने अपना नाम क्या बताया था, अपना नाम क्या बताया था दोनों ने? उन्होंने शायद हम तो फेक नेम दिया है सर, क्योंकि अभी हम लोग जब रजिस्टर में यहाँ पर घुमा तो कोई भी नहीं मिला, उस दिन में इंडियन लोग तो है लेकिन नाम बहुत अलग है सर। नहीं, अभी जैसे इनका नाम सचिन और सीमा है, जब आपके होटल में रुके थे तो इन्होंने क्या नाम बताया था अपना? उन्होंने सब शिवांशी कुछ बताया है सर, उनका नाम कुछ अलग ही बताया है, सचिन दूसरे दिन चला गया था। अच्छा, तो इन्होंने शादी भी आपके होटल में शादी की थी इन दोनों ने? इन दोनों ने हमारे रूम में शादी की है सर, मैंने जो वीडियो दिखा था उन्होंने जो सिंदूर डाला है तो वो पशुपतिनाथ का नहीं था, वो हमारा रूम के अंदर का वीडियोस है। अच्छा, और कौन से रूम में, कौन से रूम नंबर में रुके थे ये? 204 सर, 204। 204 नंबर? हाँ सर। आपके होटल में शादी कैसे की थी इन्होंने, क्या पंडित वगैरह बुलाया था, कैसे शादी की थी? पंडित कोई नहीं बोला था सर, उन्होंने अपने मर्जी से उनका उन्होंने सिंदूर डाल दिया, तो वो कोई नहीं था, वो अपने मर्जी से किया। यूपीएटीएस ने पूछताछ में सीमा से कई सवाल किए लेकिन सीमा अपने रटे रटाए पुराने जवाबों पर ही टिकी रही। एटीएस ने सबसे पहले सीमा के दोनों पासपोर्ट को सामने रखा और पूछा कौन सा असली है। सीमा ने कहा पहले पासपोर्ट में नाम अधूरा रह गया था इसीलिए दूसरा पासपोर्ट बनवाना पड़ा। एटीएस ने अगला सवाल किया क्या उसके चाचा और भाई ने भारत भेजा है जो पाकिस्तान आर्मी में है या फिर आईएसआई ने भेजा है। सीमा ने जवाब दिया वो अपने चाचा और भाई से सालों से नहीं मिली और आईएसआई के बारे में भारत आने पर पता चला, उसने कहा वो सिर्फ सचिन के लिए भारत आई है। एटीएस ने सीमा से जब क्रॉस सवाल किया कि वो कराची में रहती है और आईएसआई का नाम नहीं सुना, ऐसा कैसे हो सकता है वो भी जब उसके चाचा और भाई फौज में है, स्मार्टफोन चलाती है, गेम खेलती है, तो आईएसआई के बारे में कैसे नहीं जानती है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।